2020 વિદાય લઈ રહ્યું છે અને 2021 આપણા બાહણે આવી ટકોર કરી રહ્યું છે. આ સમય ખૂબ જ સંઘર્ષવાળો હતો આપણા સૌના માટે. આ સમયને ભૂલતા નહીં તેની શીખ હંમેશા યાદ રાખજો. આજે અમે આપના માટે એક ખાસ રજૂઆત લઈને આવ્યા છીએ જેમાં અમદાવાદની આખા વર્ષની ઝલક તમને આ વિડીયોમાં જોવા મળશે. જુઓ આ ખાસ અહેવાલ. નમસ્તે ટ્રમ્પ, આપનું અમદાવાદમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. નમસ્તે ટ્રમ્પ, નમસ્તે ટ્રમ્પ, નમસ્તે ટ્રમ્પ, નમસ્તે ટ્રમ્પ, નમસ્તે ટ્રમ્પ, નમસ્તે ટ્રમ્પ. कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और बस इसीलिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सारे पब्लिक प्लेसेस और साथ साथ में बस स्टेशन को सैनिटाइज करने में जुटे हुए हैं. वायरस के चलते अहमदाबाद शहर को लॉकडाउन किया गया है. 29 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, लेकिन लोग हैं जो अपने घरों से सुबह सुबह ही बाहर निकल गए. कोरोना वायरस के कहर के बीच पुलिस कर्मी दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं और खूब वाहवाही भी बटोर रहे हैं, पर गुजरात पुलिस की एक हरकत ने पूरे पुलिस महकमे की इस मेहनत पर पानी फेर दिया है. कोरोना का कहर है, पूरा देश लॉकडाउन है. अब वैसे में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी वो लोगों से टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़े हुए. जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीएम डैशबोर्ड का इलाका है. यहाँ से इस तरीके से जो पूरे सीसीटीवी है, सीसीटीवी के जरिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी यहाँ से लोगों से बातचीत करते हैं. सियासत की रेल कहीं छूट ना जाए, कोरोना की महामारी के सामने ये जंग जारी है और अब बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है.
और इस बार मजदूरों के कंधों पर रखकर राजनीति की जा रही है। नजर आया तो उसकी परमिशन कैंसिल हो जाएगी। कोई भी यात्री को बस से बाहर निकलना नहीं है। अच्छा लग रहा, खुशहाली आ गई जब जान जाने के लिए। अनलॉक वन के तहत आज कई सारी चीज़ों में रियायत दी गई है। जो गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें हैं वो भी अब शुरू हो गई है। भगवान जगन्नाथ पर इस बार है कोरोना का साया। इतने सालों में पहली बार ऐसा बनाव बनेगा कि भगवान नगर भ्रमण पर नहीं निकलेंगे। अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली सीप्लेन सर्विस की शुरुआत करेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में सफर के आयाम में एक नया कोण जुड़ रहा है, एक नया आयाम की शुरुआत हुई है। ये सीप्लेन जो कि पानी से ही टेक ऑफ करता है, पानी पर ही लैंड करता है, आज हमारे साथ आप भी इस सफर का मजा ले सकते हैं। राज्य सरकार की ऐसी लापरवाही नजरअंदाज करने लायक नहीं है। आखिर 8 लोगों की मौत के बाद भी क्यों मौन है रूपानी सरकार?
વાત ખૂબ જ ખાસ ગણવામાં આવી રહી છે કારણ કે આવનારા દિવસોમાં ઝાય કોવિડ વેક્સિન કઈ ખુશખબરી લઈને આવે તો નવાઈ નહીં. નવા વર્ષમાં કોરોનાની વેક્સિન આવવાની ખબરથી લોકો ખુશ હતા, થોડી રાહત મહેસૂસ કરી રહ્યા હતા. તેવામાં બ્રિટનમાં કોરોનાની નવી લહેરના ખબર આવવાથી ફરી એકવાર દુનિયા ચિંતામાં મુકાઈ છે. નવા વર્ષમાં ગણતરીના કલાકો જ બાકી છે એટલે આપ સૌને એડવાન્સમાં હેપી ન્યુ યર. તમારું ખૂબ જ ધ્યાન રાખજો અને સાવચેતી ખાસ રાખજો કારણ કે હજુ સુધી કોરોના ગયો નથી, વર્ષ બદલાયો છે. જો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.